क्या है जल होम स्टे गाइस, यहाँ पे ये होम स्टे बने हुए सारे, ये देखो कल मैं इन्हीं को देख रहा था, ये होम स्टे है भाई, क्या नज़ारा है भाई। देखो 6 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, तो जहाँ तक कोशिश रहेगी मैं 6 घंटे कंटिन्यू चलाने वाला हूँ आज सुमूर 21 किलोमीटर। तो अगर सब सही रहा तो मैं 6 घंटे का सफ़र पूरा करूँगा एक ही बार में, वन वे में। लेट्स सी, क्योंकि मैं पूरा खा पी के निकला हूँ भाई। ऐसा था कल रोड, आप यकीन करोगे कि नहीं करोगे, पर ये ऐसे रोड में मैं कल आया हूँ रात में, मतलब ये ऐसे रोड था। और तुम यकीन मानो, ये सारी चीज़ें ना, ये सारी चीज़ ये हार थी, रोड था ही नहीं आगे उस साइड, तो मेरी फट के हाथ में आ गई थी यार ये क्या, मैं कहाँ आ गया। तो भाई पर कहते ये सेफ है, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ये देखो सारे होम स्टे बने हुए, देखो वो वीडियो बना रही है, तो सारे होम स्टे बने हुए। ओए ये कल पर ये नज़ारा भाई, कल तुम्हें यकीन नहीं होगा, तुम्हें कोई ऐसा बंदा है ना जिसकी फटती है रात से, तो उस बंदे की ना पेंट गीली हो जाती कल, जिस जगह मैं था और मैं अकेला था। यू कांट इमेजिन कि मैंने कैसे कल निकाला है। हाँ अंकल सही कह रहे थे, ठंड है तो आप पूरा पहन के कवर होके जाओ, तो मैंने सब कुछ घुसेड़ लिया, तो अब मुझे फील हो रहा है हाँ अंकल सही कह रहे थे बेटा, क्योंकि यहाँ पे लोकल्स को ज़्यादा पता है कि मौसम कैसे चेंजेस होते हैं यहाँ पे। मैं ना एक बार आगे पूछ लेता हूँ यार, यहाँ पे पेट्रोल पंप कहाँ पर है। आंटी यहाँ पे पेट्रोल पंप किधर होगा? ओए हाय पेट्रोल पंप किधर होगा? पेट्रोल पंप, पेट्रोल हैगा आगे है। हाँ तो ये सीधा रोड ही है, ठीक है धन्यवाद। ये जगह कौन सी है? कायदा नुब्रा वैली में आता है। अच्छा ठीक है धन्यवाद। तो भाई भाषा समझ नहीं आई, बट उन्होंने बोला कि हाँ इस रोड पे हैगा पेट्रोल पंप, तो आगे एक भैया दिख रहे हैं, इनसे जरा पूछ लेता हूँ फिर भी। भैया यहाँ पे पेट्रोल पंप किधर पड़ेगा? हाँ 17-18 नहीं अभी तो 100-150 चल जाएगी, बट इधर ही इसी रोड पे चलेगा। टी मोड यहाँ से 18 किलोमीटर इसी रोड पे पड़ेगा ना? इसी रोड पे। ठीक है धन्यवाद भैया। टी मोड, तो टी मोड पे मोड पे भाई मेरे को रुकना है, क्योंकि पेट्रोल पंप उधर ही पड़ेगा, अगर टी मोड पे नहीं रुका तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। वैसे तो ये अभी चल जाएगी एक में, मुझे कम से कम ये मुझे माइलेज दे रही है 40-45 से तो ऊपर दे रही है। हाँ तो उधर मैं टैंक फुल करवा के और इसकी माइलेज भी निकलवा लूँगा कि एक्चुअली में ये कितना माइलेज दे रही है और कितने लीटर पे दे रही है। 12 लीटर जितने भी होगा ना, तो मैंने प्रॉपर लीटर करवा के
17-18 ना, तो अभी कितना है, 72 है, 72 और 8 80, 80 और 10 90, 90 पे मैं, 90 के आसपास ठीक है। तब तक ये सीधा ही जाना है। जब मैं इसके ऊपर एडिटिंग करूँगा वीडियोस के ऊपर, तो डेफिनेटली मैं इस पर थोड़ा सा रिसर्च करूँगा और पता करूँगा कि एक्चुअली में ये बुद्धिज़्म यहाँ पे इतना ज़्यादा कल्चराइज क्यों हो रखा है। खालसर हो भाई। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे ये टी मोड किधर है? टी मोड? अच्छा नहीं, ठीक है चलो भाई। तो भाई बैटरी ख़त्म हो गई थी, दूसरी लगाई है। और मेरा रास्ता तो यही है, और ये इतने बड़े बड़े इनके पूजा स्थल है, और कुछ लिखा है चाइनीज़ में, पता नहीं क्या है, क्या लिखा ये तो समझ नहीं आ रहा, पर हाथ जोड़ के नमन है, जो उनसे भी पूजा हो। तो भाई चलो, मैप काम नहीं कर रहा है और मैप डाउनलोड भी नहीं हो रहा था मेरे इसमें, तो मैं ऐसे ही आ गया था बिना डाउनलोड करे, तो अभी दिक्कत हो रही है। तो भाई मैप बिना डाउनलोड करे मत आना, क्योंकि बहुत दिक्कत होगी, जहाँ पे भी नेटवर्क मिलते वहाँ मैप डाउनलोड कर लिया करो। क्या हुआ भैया? रोड खुला है ना, क्या हो गया है? लैंड स्लाइडिंग हो गया है? कितना दूर? 20-25 किलोमीटर। अच्छा, इसी वजह से रुके हुए क्या सारे? इसी वजह से सब रुक गए हैं क्या यहाँ पे? अच्छा, दो तीन जगह हो गया है, दो तीन जगह पे हुआ है। तो कितना टाइम लग जाएगा निकलने में? क्या बात है, खोल भी सकता है, नहीं भी खोल सकता है। अच्छा ऐसा है, कुछ गाड़ी डैमेज हो गया है। तो फिर तो यहीं रुकना पड़ेगा अगर नहीं खुला तो। ओहो, तो यहीं लगा दूं बाइक? हाँ जी, जाके कुछ फायदा है नहीं। तो ये सारे भी तो निकलेंगे ही, फिर यहीं लगा देते हैं, ठीक है। तो भाई लैंड स्लाइडिंग हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ओए यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे बंदे रुके पड़े हैं, ठीक है यार, बैग तो नहीं खोलूँगा। तो भाई आगे लैंड स्लाइडिंग हो गया है ज़्यादा ही, तो अभी तो फिलहाल पता नहीं कितना टाइम लगेगा कितना टाइम नहीं लगेगा। तो मैं जिस लोकेशन पर, कुछ ऐसी सी लोकेशन है, काफ़ी सारे बाइकर्स रुके हैं, गाड़ियाँ स्टे हैं, और बस तो वापस जा रही है, देखो बस तो वापस जा रही है, और कुछ ऐसा सा लोकेशन है, यहाँ से नदी जा रही है, देखो यहाँ पर भी दिखाता हूँ। और पहाड़ी पहाड़ है बीच में, ये छोटा सा वो है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। और भाई आप आ रहे हो, अगर कहीं जा रहे हो लद्दाख वगैरह की ट्रिप पे, तो आप मान के चलो आई थिंक खुल गया है, पूछते हैं इनसे खुला है कि नहीं खुला। भैया खुल गया?
चलो भाई खुल गया है रोड। रोड खुल गया भाई, निकलते हैं फटाफट से वरना दिक्कत हो जाएगी। बस अच्छी है कि रोड क्लियर हो गया है, तो फिर से हम अपनी स्टार्ट करते हैं ट्रिप। हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, तो लेट्स सी चलते हैं अब। तो भाई लैंड राइडिंग हो गया था, तो रास्ते बंद हो गए थे पर मेरे आने तक खुल गए हैं। और कूलेंट भी स्टार्ट हो गया है। कूलेंट पता कब स्टार्ट होता है? जब ज़्यादा रेस, मतलब रेस ज़्यादा होती है और स्पीड कम, मतलब जब चढ़ाई पे चढ़ रही हो या फिर पत्थरों से निकल रही हो और हम रेस को भी दे रहे हैं। और तो भाई खड़े हो जाओ, अगर ऑफ रोड आ गया खड़े होके चला लो, क्योंकि बाइक अपने हिसाब से संतुलन बना लेगी। अब बस हैंडल को और पैर जमा के रखो। और घुटनों को दोनों को टंकी पे जमा के रखो। इतनी मशक्कत करनी पड़ती भाई एक राइडर को वीडियो बनाने में। साहब आ गया, सड़क आ गई, क्या ऑफ रोड था भाई। बस सड़क आई है, ऑफ रोड ना आ जाए दोबारा। ओए यार ये रेत, ऑफ रोड ठीक है इससे तो बेटर, रेत में स्किट होने का चांस होता है। बस टायर की जगह टायर को चलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट फिर भी थोड़ा सा बहुत रिस्क तो होता ही है भाई। थोड़ा बाइक में वजन भी है ना, तो इसलिए कंट्रोल हो जाती है। वह पतली बाइक हो ना तो पक्का स्किट हो जाती। देखो फिर से ऑफ रोड भाई, ऐसे ही है रात। भाई साहब देख रहे हो क्या है? ओए 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 ओए, ये तो तगड़ा ही है। भाई साहब क्या खतरनाक था। और भी चढ़ाई थी, ये नहीं एक होता नॉर्मल, ये होता चढ़ाई, चढ़ाई थी। अभी चढ़ रहे हैं हम लोग भाई साहब। तो भाई मेरे लिए शायद थोड़ा रोड आने वाला है, ये तो भाई ऑफ रोड ने तो जान ले ली है। और ये ऑफ रोड है ये भी, इसकी माँ की आँख, मेरे को लगा वो है, आई वाज लाइक रोड है। ओ भाई साहब ये है नज़ारा तो जहाँ पे मैं चल रहा हूँ अभी भाई। ओए ओए, बस भाई नीचे देख के चलते रहो, कभी भी वो आ सकता है, अरे पत्थर, मोटे मोटे पत्थर आ सकते हैं।
पैंगलोंग जी। आप ये सारे हो? हाँ हाँ, 5-7 मिनट ना, आप रुके हो ना, आपके साथ ही हो लूँगा। है नहीं यार, RS 200 आगे पेट्रोल पंप तो मिलेगा ना अभी? वो ये कह तो रहते 80 किलोमीटर पे पेट्रोल पंप है, पीछे पूछा था मैं। हाँ हमारे मेरे पास भी इतनी ही होगी, नहीं मेरी 200 तक चल जाएगी। 200 अभी चल रही है 120। ओए होए होए होए, क्या बात है, 125।